नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने फिर से रैलियां करना शुरू कर दिया है और इसको देखकर बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ गई हैं और अखिलेश यादव की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। दोनों की धड़कनें अलग अलग वजह से बढ़ रही हैं। साफ है कि अगर ओवैसी सफल होते हैं तो बीजेपी को फायदा है, और अगर ओवैसी को रिजेक्ट कर देता है मुसलमान तो अखिलेश यादव को फायदा है। लेकिन क्या बीजेपी का सारा दारोमदार सिर्फ ओवैसी पर ही है, या पूरा मुस्लिम वोटर है, जो पूरा मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी के पक्ष में इनडायरेक्ट रूप से आ जाता है, ये आज स्टडी करने की कुछ कोशिश करते हैं। तो मुरादाबाद में ओवैसी साहब की रैली थी, मैं डिजिटल चैनलों पर देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ओवैसी जो हमारे नेता हैं, मुसलमानों के सच्चे नेता हैं, हमारी बात सामने रखते हैं और हमारे हकों की बात उठाते हैं, तो ये सुनकर बीजेपी को खुशी होनी चाहिए, अखिलेश यादव को दुखी हो जाना चाहिए। आगे कुछ और लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब हमारे नेता हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन साहब वोट तो हम साइकिल को ही देंगे, क्योंकि ओवैसी जीतने की स्थिति में नहीं है, उनको वोट देने का मतलब अपना वोट खराब करना है, वो कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने वाली तो है नहीं, इस बात से अखिलेश यादव को खुश होना चाहिए। लेकिन एक दो लोगों ने कुछ और कहा, नौजवान थे, उन्होंने कहा कि साहब देखिए हमारे इलाके में 50% से ज़्यादा मुसलमान है, हमारे यहाँ हमेशा वोट बटता रहा है, इस बार भी वोट बटेगा, जब जब हमारे यहाँ वोट बटा है तब तब भी एक मुस्लिम कैंडिडेट ही यहाँ से जीता है, इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा, ओवैसी उनके हिसाब से वोट जरूर काटेंगे लेकिन अखिलेश की पार्टी की तरफ से जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा वो जीत जाएगा। तो क्या वाकई में ऐसा होता है, थोड़ा इसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 40% या उससे ज़्यादा मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं वो करीब 30 हैं, और इन 30 सीटों में 2017 का विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखें तो बीजेपी को इन 30 सीटों में से करीब 40% सीटें हासिल हुई थी और अखिलेश यादव को इससे ज़्यादा करीब 46-47% सीटें हासिल हुई थी। तो इस हिसाब से तो लड़का सही कह रहा था, वो युवक सही कह रहा था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है? आखिर भाई उत्तर प्रदेश में 30-40% मुसलमान जिन सीटों पर हैं उनकी संख्या करीब 43 है, इसी तरह से 20-30% जो मुसलमान हैं उनकी संख्या 70 है, तो ये 20% से ऊपर मुसलमानों की संख्या वाली सीटें हो जाती हैं 143। अब बची 260 सीटें, ये 260 सीटें भी ऐसी हैं जिसमें मुसलमान 20% से कुछ कम है, लेकिन कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, 20% के आसपास बहुत कुछ इलाकों में है। लेकिन अब 403 की विधानसभा है, इस हिसाब से तो बीजेपी को सत्ता में आना ही नहीं चाहिए था, फिर भी बीजेपी ने 311 सीटें जीती, अपने साथियों के साथ मिलकर 325 सीटें जीती जिसमें एक भी मुसलमान नहीं था। तो जिस उत्तर प्रदेश में 260 सीटों पर मुसलमान 20% से कम हो, जिस उत्तर प्रदेश में मुसलमान करीब 70 सीटों पर 20-30% के बीच में हो, जिस उत्तर प्रदेश में मुसलमान करीब 43 सीटों पर 30-40% के बीच में हो, जिस प्रदेश में मुसलमान 30 सीटों पर 40% से ऊपर हो, कुछ इलाके हैं मुरादाबाद के और संभल वगैरह, कुछ इलाके हैं बिजनौर, आप जानते हैं वहाँ की कुछ विधानसभा सीटों में तो 55-60, कुछ लोग तो कहते हैं 65-70% तक मुसलमान है, तो वहाँ पर फिर बीजेपी 311 सीटें कैसे निकाल गई? तो इसकी एक स्टडी जो हुई है जो बताती है ये मुस्लिम वोटों को लेकर उनका कैसे बंदरबांट होती है, उस बंदरबांट का फ़ायदा कैसे बीजेपी को मिलता रहा है, 40% से ऊपर में होगा मुसलमान वो वोट बिखरेगा तो भी बीजेपी नुकसान में रहेगी, ये बात तय है, यानी कम सीटें वो जीतेगी दूसरी पार्टियों के मुकाबले जो कि मुसलमानों की राजनीति करती रही है, 40% से ऊपर की 30 सीटें जिसमें 40% सीटें बीजेपी को मिली थी 2017 में, लेकिन 30-40% मुसलमान जहां हैं वहां 43 सीटों में से 2017 के विधानसभा चुनाव में 95% से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने निकाली, समाजवादी पार्टी के हाथ में आई करीब 3-3.5% सीटें। तो आप देखिए जहां पर 30-40% मुसलमान है वहां बीजेपी को 95% से ज्यादा सीटें
हासिल हो रही हैं। इसी तरह जहां 20-30% मुसलमान हैं, इन सीटों की संख्या 70 है। यहां बीजेपी 80% सीटें 2017 में जीतती है और समाजवादी पार्टी को 11% सीटें मिलती हैं। और बाकी बची दो 260 सीटें, उसमें से जहां 20% से कम मुसलमान है, वहां पर बीजेपी 77% सीटें जीतती है। समाजवादी पार्टी के हाथ में 9% सीटें आती हैं, कुछ सीटें जाती हैं मायावती के पास और कुछ सीटें जाती हैं कांग्रेस के पास। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान ही, जिसे बीजेपी वोट टिकट नहीं देती, वही बीजेपी का बड़ा सहारा बनता रहा है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी को 3-7% 8% से ज़्यादा मुस्लिम वोट मिलता नहीं है, पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की बात करें तो। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस बार भी ओवैसी चाहे कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, जैसा कि बिहार में उन्होंने 5 सीटें हासिल की थी, और या पश्चिम बंगाल की तरह वो फुर हो जाएं। लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर वो वोटों को का समीकरण थोड़ा बिगाड़ सकते हैं। पीस पार्टी अब नहीं रही करीब करीब, लेकिन और भी बीजेपी ऐसा नहीं है कि जो ये 143 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां 20% से ज़्यादा मुसलमान है, वहां पर क्या कांग्रेस कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देगी या मायावती कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देगी। हर पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट देगी और उससे भी जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, तो क्या फिर बीजेपी को उतना ही फायदा होगा, या मुसलमान टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ वोट नहीं करेगा। टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यानी जो जीत रहा है उसको वोट दो, बल्कि किसी एक पार्टी विशेष, जिसके लिए साइकिल को कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को, पूरी तरह उसके पक्ष में लामबंद हो जाएगा, जैसा बंगाल में हुआ था। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल ये है कि एक दो लड़कों ने कहा कि साहब देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर 10% ब्राह्मणों का 12% ब्राह्मणों का नेता हो सकता है, 3-4% राजपूतों का नेता हो सकता है, 2.5% जाटों का नेता हो सकता है, 8-10% यादवों का नेता हो सकता है, 12% जाटव का नेता हो सकता है, या 4% राजभरों का नेता हो सकता है, तो हम तो 19-20% है, हमारा कोई नेता क्यों नहीं हो सकता? ऐसे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। और उनकी बात, उन कुछ लड़कों की बात में ये इस बात में दम भी था, क्योंकि देखिए मुसलमान विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश में कम हो गई है। 2007 में 56 मुस्लिम विधायक जीते थे, 2012 में इनकी संख्या 68 हो गई थी जब अखिलेश यादव सत्ता में आए थे, 2017 में ये घटकर सिर्फ 27 रह गए। इसमें भी समाजवादी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 7 आए, मायावती के हिस्से में 18 आए और 2 कांग्रेस के हिस्से में आए थे। अब अगर 19-20% मुसलमानों को अपना नेता चाहिए और उसकी अगर भरपाई ओवैसी करते हैं, या शायद नहीं कर पाएंगे इस बार ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन अगर इनका कोई नेता मिल जाए तो मुस्लिम वोटों के सहारे दुकान चलाने वालों की दुकान बंद हो सकती है, और मुस्लिम वोटों का सहारे के खिलाफ जाने वाले, उनको भी नए सिरे से सारी तमाम चीज़ों पर सोचना पड़ सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।